हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त प्रभा। आज मैं आपको एक खूबसूरत से प्लांट के बारे में जानकारी दूंगी कि इसे किस प्रकार लगाया जाता है और इसकी किस प्रकार देखभाल की जाए कि ये हमें खूब सारे फ्लावर्स दे। इस प्लांट का नाम है विंका। जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये हाइब्रिड विंका है, और एक जो आता है जो हमारा नॉर्मल देसी विंका होता है उसके फ्लावर ऐसे होते हैं, देखिए। और ये एक वाइट कलर का है, ये भी देसी विंका है। और जो हाइब्रिड विंका होते हैं उसमें बहुत ही डार्क कलर आते हैं, और इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स आते हैं, जैसे कि डार्क पर्पल कलर आएगा, और ये देखिए मर्जेंटा कलर है, और रेड भी आता है इसमें, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन जो हमारे देसी विंका होते हैं, जो कि ये हैं, इन्हें तो आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके सीड्स तो जहां गिरेंगे वहां अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए ये दोनों देसी विंका हैं। लेकिन जो ये हाइब्रिड विंका है इसको चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके सीड्स भी ग्रो करोगे तो ये अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं, और इसका प्लांट भी बहुत मुश्किल से चलता है क्योंकि इसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है। अब इसका ध्यान आपने किस प्रकार रखना है ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जब भी हम हाइब्रिड विंका को ग्रो करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी जो मिट्टी है उसमें फंगस नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाता है कि इसमें फंगस है या नहीं, इसीलिए जब जितना हो सके आपके जो पुराने गमले जिनमें कि फ्लावर लगे हों, प्लांट लगे हों, और उसी ही मिट्टी में आप इसके जो प्लांट को ग्रो करें। अगर और आपको अगर नई मिट्टी में लगाना ही है तो आप नर्सरी से जो मिट्टी मिलती है उसमें इसे ग्रो करें, क्योंकि उनमें फंगस नहीं होती है। लेकिन हम जो मिट्टी यूज़ करते हैं, हम कौन सी मिट्टी यूज़ करते हैं, हम अगर कहीं खुदाई चल रही हो, किसी का घर बन रहा हो, तो हम उसकी मिट्टी को हम लाकर यूज़ करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें फंगस है या नहीं। हाइब्रिड विंका को अगर आप नर्सरी से लेके आते हो तो उसके लिए आपको मिट्टी किस प्रकार की चाहिए। मिट्टी आपको चाहिए, एक पार्ट आप मिट्टी लीजिए और हाफ पार्ट कोकोपीट, और एक पार्ट आपको रेत चाहिए, और लीव कंपोस्ट आप दो मुट्ठी ले सकते हो एक गमले के लिए। अगर आपके पास लीव कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर खाद भी डाल सकते हो। ये तो वो मिट्टी हुई जो कि आप अपने नर्सरी से लाए गए प्लांट को आप रिपोर्ट करोगे। लेकिन अगर आप कटिंग लगाना चाहते हो, आपके पास ये प्लांट है और आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हो, तो आप इसकी कटिंग को रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इस समय क्या होता है, जो वातावरण होता है उसमें मॉइस्चर रहता है काफी, उसमें नमी होती है जो कि कटिंग को लगाने के लिए चाहिए होती है, ताकि वो कटिंग सूखे ना। और जब वो कटिंग सूखेगी नहीं तो वो जड़ बनाना शुरू कर देती है, और इसीलिए आपको रेनी सीजन में आपको विंका का कटिंग लगा सकते हो आप। और जब आप कटिंग लगाओगे तो उसके लिए आपको मिट्टी चाहिए, एक पार्ट तो आप मिट्टी लेना कटिंग लगाने के लिए, और एक पार्ट आप रेत लेना जो सैंड होती है, और इसमें हाफ पार्ट आप कोकोपीट भी लेना ताकि ड्रेनेज अच्छा बन सके, क्योंकि विंका को लगाने के लिए आपको वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। बिल्कुल इसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर थोड़ा सा भी पानी इसमें रहेगा तो ये आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा प्लांट। और मैं इसकी आपको कटिंग लगाना सिखाती हूँ। मैं इसकी देखिए इस प्रकार की कटिंग आपको लेनी है, देखिए ये देखिए इतनी लंबी आपको कटिंग लेनी है, और एक शार्प ब्लेड से आपको इसको कट करना है। ये देखिए मैंने एक ये कटिंग ले ली है, एक कटिंग में ये लूंगी, ये देखिए ये दो कटिंग मैंने ले ली है, और एक ये भी, ये मैंने तीन कटिंग ले ली है, ये देखिए। अब मैं क्या करूंगी, इसके जो नीचे के जो लीव्स हैं इनको हटा दूंगी,
ऐसी मैं सारे लीव्स हटा दूंगी। नीचे के आपको इतनी इतनी लीव्स सबकी हटा देनी है, हो सके तो आप इन सब लीव्स को भी हटा दें। और इसकी जो टिप है, अगर इसमें फ्लावर के आपको बर्ड्स दिख रही है तो उसे भी आप हटा सकते हो, लेकिन इसमें अभी बर्ड्स नहीं आई हैं तो आप मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। इसमें है थोड़ी सी, इसको भी हटा दूंगी। ये देखिए, ये मैंने तीन कटिंग ले ली है, मैं इसको आपको ग्रो करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने जो कटिंग लगाने के लिए जो मैंने मिट्टी बताई थी, मैंने इस जो पॉली बैग है इसमें मैंने डाल दी है, और आप भी पॉली बैग में लगा सकते हो। और बाद में जब इस पर रूट्स आ जाए, आपको इसके ऊपर से ग्रोथ नजर आने लग जाए, तो आप इसको सेपरेट गमले में अलग अलग करके लगा सकती हो। अब मैं इसमें होल कर दूंगी। और इन कटिंग को लगा दूंगी ऐसे, कम से कम इतना हिस्सा मिट्टी में जाना चाहिए, कम से कम इतना हिस्सा। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप रूटिंग हार्मोन भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो चीनी का जो पाउडर होता है, इसको जो है स्टेम को आप थोड़ा गीला करके दालचीनी का पाउडर लगाकर भी इसमें ग्रो कर सकते हो। लेकिन अभी रेनी सीजन चल रहा है तो बारिश के पानी में ही जादू होता है और आसानी से रूट्स आ जाती हैं। कम से कम 10-15 दिन में इसमें रूट्स आ जाती हैं। ये देखिए, मैंने ये लगा दिया है। और इसके लिए आपको हाइब्रिड विंका अगर आप लगा रहे हो तो आपको फंजीसाइड की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है। इसलिए आप मार्केट में बहुत से तरह के फंगीसाइड आते हैं, लेकिन एक होता है साफ फंगीसाइड और एक होता है बेविस्टिंग फंगीसाइड। आप इन दोनों का यूज पानी में, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आप फंगीसाइड डालकर इसमें डाल सकते हो। ये देखिए, मैंने ये फंगीसाइड डाल रखा है इसमें 1 चम्मच बेविस्टिंग फंगीसाइड है, और मैं इसमें पानी डाल दूंगी ताकि इसमें फंगस ना लगे, क्योंकि रेनी सीजन है तो इसमें फंगस लग सकता है। और इसमें भी डाल दूंगी। और फंगिसाइड का यूज इसमें 1 हफ्ते के बाद आप करते रहिए, क्योंकि जो हाइब्रिड विंका होता है इसमें फंगस की बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर आपका प्लांट जो है फंगस से डाई हो रहा है, आपको लग रहा है कि उसकी जो शाखाएं हैं वो, ये जो टहनी होती है फंगीसाइड से, ये सूखना शुरू हो जाती है और पीले पीले पत्ते होने शुरू हो जाते हैं, तो और ये इसकी टिप बिल्कुल हरी रहती है, तो आप ऐसा कीजिए कि इसकी जो आपको लग रहा है कि आपका प्लांट अब नीचे से फंगस लगी है, तो ऊपर से इसकी कटिंग करके कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो आपका जो ये मदर प्लांट है ये तो डाई हो जाएगा, लेकिन जो इसकी जो आप कटिंग लोगे वो ग्रो करना शुरू कर देगी। ये एक समर का प्लांट है, क्योंकि इसमें समर में ही फ्लावर आते हैं। जब विंटर आता है तो ये प्लांट बहुत कम बच पाता है, और बच भी जाता है तो इसमें फ्लावर नहीं आते हैं। इसके फ्लावर फरवरी से आना स्टार्ट होते हैं, फरवरी मार्च में काफ़ी फ्लावर आते हैं, लेकिन जब मई जून की गर्मी पड़ती है तो उसमें फ्लावर कम हो जाते हैं, लेकिन फिर ये जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये फ्लावर देता है। देसी विंका को तो आप पानी सुबह शाम, गर्मियों में सुबह शाम कितना भी दो, ये चल जाता है। लेकिन जो हाइब्रिड विंका होते हैं उनको जब आप रिपोर्ट करते हो, उसके बाद अपने घर में आप लगाते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो मिट्टी है वो ड्राई साइड पर ही रहनी चाहिए। मिट्टी यानी कि ड्राई हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ मिट्टी इसकी पूरी सूख चुकी हो ऊपर से, तभी आप इसमें पानी दें। उसके बाद आप 2 दिन छोड़ के पानी दें। यह है समर में। जो मैंने इसकी कटिंग को ग्रो किया है, आप इसको गमलों के बीच में छुपा कर रख दें, ताकि अगर अभी बारिश हो रही तो आप बारिश में इसको रख सकते हैं, लेकिन इसमें पानी अटकना नहीं चाहिए। और जब आप जैसे लगे आपको कि धूप आ गई है, जैसे एक दिन बारिश हुई अगले दिन कड़क धूप आ गई है, तो आपने इसको गमलों के बीच में छुपा कर रख देना है,
10-15 दिन तक आप इसको आपकी आपको केयर करनी पड़ेगी, उसके बाद इसमें रूट्स आ जाती है। और फिर भी इसको बिल्कुल कड़क धूप में नहीं रखना, ये अपने पत्ते बिल्कुल नीचे मुरझा जैसा जाता है जब ज़्यादा धूप इसमें पड़ती है। इसीलिए आपको कहते तो हैं कि ये समर का प्लांट है, लेकिन इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा कड़क धूप भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है और कम धूप में भी ये नहीं चलता है। इसीलिए आपको ये सब सावधानियाँ इसके साथ बरतनी पड़ेंगी। अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय, थैंक यू।